Assalamualaikum नाजिम, आज मैं आपके साथ अम्बरला कुकिंग में हाजिर हूँ और आज मैं बना रही हूँ सफ़ेद चने। इनमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमें 2 प्याज चाहिए, 2 टमाटर चाहिए, लहसुन अदरक चाहिए, हरी मिर्च चाहिए। बेसिक सफ़ेद चने जो कि ऑलरेडी प्रेशर कुकर में कुक कर लिए गए हैं, फुल कुक कर लिए। और मसाला जार में रेड चिली 2 चम्मच, पिसा धनिया 2 चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, कसूरी मेथी 1/2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, क्योंकि नमक हमने उसमें भी डाला है यखनी में भी जब चने बॉयल किए। लहसुन अदरक को और टमाटर को हम ग्राइंडर कर लेंगे। ये मसाला हमने तैयार कर लिया, लहसुन अदरक और टमाटर। अब हम प्याज को ग्राइंड करेंगे, घी डाल दिए 1 कप। अब उसमें प्याज डाल दिए, प्याज ग्राइंड होने तक हम तो चम्मच को अच्छे से लाते रहेंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से कर दें। हमारे प्याज ग्राइंड हो चुके हैं, अब इनके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया है। इसके साथ ही हम ये मसाले डाल देंगे सारे, नमक मिर्च हल्दी पिसा धनिया पिसा गरम मसाला एंड कसूरी मेथी। इस मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे और जब ये मसाला भून जाएगा, घी ऊपर आ जाएगा, तो हम इसमें वाइट चने डालेंगे। नाजरी मेरा मसाला तैयार हो चुका है, ये देखते हैं घी निकल आया और बिल्कुल कुक हो चुका है मसाला। अब हम इसमें डालेंगे वाइट चना, जो हमने ऑलरेडी कुक करके रखे हैं। ये नाजिम पर डिपेंड करता है कि आप ग्रेवी वाले रखने हैं या शोरबे वाले। मेरा ग्रेवी वाले रखने हैं तो यहीं से बस ये डन है और 10 मिनट इसको हल्की आँच पर ढक कर लगा दें। और अगर आपने शोरबे वाले रखने हैं तो इसमें इसकी यखनी डाल के तो इसको थोड़ी देर कुक कर लेंगे। अभी ये 10 मिनट पकेंगे और इसको आज हमारे चने तैयार हो गए हैं, हमने शोरबे वाले बनाए हैं। नाजरी ये हमारे वाइट चने तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इसको मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश किया है और अब आप इसको रेडी कर सकते हैं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल भी बजा दें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रहना। अल्लाह हाफिज़, अम्बरदा को जा सकते हैं।